हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट IAS बाबा टेस्ट सीरीज 2020। सो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट IDA, उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इट इज़ एम टू द रिड्यूस, इसका एम है टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड बाय द प्रोवाइडिंग लोन एंड द ग्रांट एंड फॉर द प्रोग्राम्स एंड दैट द बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, इनका एम है कि जो रिड्यूस करना है पॉवर्टी को बाय द प्रोड्यूसिंग लोन्स के द्वारा एंड ग्रांट के द्वारा एंड फॉर प्रोग्राम्स एंड दैट बूस्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन लाना है और प्लांट बहुत सारे रिड्यूस करना है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिले, रिड्यूस इनइक्वालिटी लानी है एंड इम्प्रूव पीपल लिविंग कंडीशन, पीपल की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ अदर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इट इज़ राइट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। सो सी इज़ करेक्ट, बोथ वन एंड टू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA इज़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट हेल्प द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री है उनकी हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक, जो एक पार्ट है IDBA का। इसमें क्या होता है, ओवरशीन एंड बाय द 173 शेयर होल्डर्स नेशंस IDA एम एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस करता है। इसमें 173 शेयर होल्डर्स नेशन हैं एंड IDBA एम टू द रिड्यूस पॉवर्टी एंड बाय द प्रोवाइडिंग लोन एंड क्रेडिट एंड ग्रांट एंड फॉर द प्रोग्राम्स एंड दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूव पीपल लिविंग कंडीशन। इसमें क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया लिविंग कंडीशन को एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया है। ग्रोथ जो इकोनॉमिक बूस्ट है, ग्रोथ इकोनॉमिक को बूस्ट किया गया है और इन प्रोग्रामों के द्वारा इसको लोन दिए गए हैं और क्रेडिट दिए गए हैं। IDBA कॉन्प्लेक्ट करता है द वर्ल्ड बैंक एंड ओरिजिनल लैंडिंग आई द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। IDBA जो IDBA है, बैंक फॉर इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है, उसका एम है कि कॉम्प्लीमेंट है द वर्ल्ड बैंक ओरिजिनल लैंडिंग आर्म का। IBRD वॉज इस्टेब्लिश किया गया था टू फंक्शन एज अदर सेल्फ एंड सस्टेनिंग बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवाइस टू मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी पुअर कंडीशन के लिए। अब क्या था, जो क्रेडिट वर्थी पुअर कंडीशन थी एंड इनकम और उनकी इनकम के लिए, जो मिडल इनकम के लिए, उनको एडवाइस दी गई थी लोन लेने की, लोन प्रोवाइड करने की फॉर बिजनेस के लिए एंड अदर पर्पजेज के लिए। IDRE एंड IDA ने शेयर किया था द सेम स्टाफ एंड द हेड क्वार्टर्स एंड इनइक्वालिटेड प्रोजेक्ट एंड विद द सेम एंड द रिगोरस स्टैंडर्ड को क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो दिए जाते हैं इवल्यूट हेड क्वार्टर्स के द्वारा एंड स्टाफ में। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स, ब्रिक्स से एसोसिएटेड करता है कौन सा स्टेटमेंट है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सेकेंड देख लेते हैं, द कॉन्टी जेंट रिजर्व असेसमेंट थर्ड देख लेते हैं, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन। सो बी इज़ करेक्ट, सो सेकेंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट, कॉन्टीजेंट रिजर्व असेसमेंट एंड फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन इसके रिस्पेक्ट में, ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं करेक्टली। देयर आर टू कंपोनेंट दैट मेक अप द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स ऑफ ब्रिक्स, दो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स हैं ब्रिक्स के, नेमली द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDBA और द समटाइम्स एंड रिफर्स करता है टू इज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को द कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक CRA और दूसरा है CRA, बोथ ऑफ दस कंपोनेंट वेयर द सिग्न साइन करते हैं इनटू ट्रीटी इन 2004 में, 14 में जो ट्रीटी हुई थी उसके द्वारा एंड बिकम द एक्टिव इन 2015। और ये क्या है, ये एक्टिव अभी तक चल रहे, 2015 तक भी चली है ये जो एक्टिविटी थी CRA की और NDBA की। इसमें ब्रिक्स नेशन सिग्न साइन करता है ब्रिक्स कॉन्टिनजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को CRA को इन 2014 में एज अ पार्ट ऑफ द फोर्थ लेजर डिक्लेरेशन एट सिक्स ब्रिक्स समिट, जो सिक्स ब्रिक्स समिट हुई थी फोर्थ लेजर डिक्लेरेशन में, उसमें क्या हुआ था कि जो CRA
कॉन्टिजेंट रिजर्व असेसमेंट इन 2014 में ये पार्ट बनी थी सिक्स ब्रिक्स समिट का। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली बेस्ड, इनमें से कौन सा पेयर्स करेक्टली बेस्ड है, रोहिंग्याज म्यांमार, इट इज़ राइट रोहिंग्याज इज म्यांमार, अग्यूर्स इज नेपाल, अग्यूर्स इज नेपाल, इट इज़ राइट, एंड याजीदीशी लिप लाइबिया, नॉट अ लाइबिया, इट इज़ इराक। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि जो रोहिंग्याज हैं वो म्यांमार से रिलेटेड हैं, अगार्स हैं नेपाल से रिलेटेड हैं, यजीदीज हैं इराक से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कौन सा स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशूज़ रिलेटेड टू द गुड एंड सर्विस टैक्स। अब जो गुड एंड सर्विस टैक्स के जो इशूज़ हैं वो रिलेटेड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट से, और उन्होंने एक बॉडी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी रिकमेंडेशन के लिए। सो फर्स्ट इज करेक्ट, एंड सेकंड देख लेते हैं, इट इज़ द चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसको चेयर किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स हैं, इट इज़ राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है फॉर द मेकिंग रिकमेंडेशन करती है टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशूज़ रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो इशूज़ हैं जो इंडियन जो स्टेट एंड यूनियन के बेसिस पे होते हैं उनको रिकमेंडेशन करती है और मेकिंग करती है जो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी टैक्स एंड सर्विस की जो प्राइस वगैरह है उसको डिक्लेयर करती है। द GST काउंसिल इज शेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल स्टेट। अब क्या है, ऑल फाइनेंशियल और टैक्सेस ऑफ ऑल स्टेट से मिनिस्टर जो है वो चार्जेस लेते हैं, और जो रेवेन्यू और फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं स्टेट यूनियन स्टेट के और अदर मेंबर हैं और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोविंग्स टाइगर रिजर्व वाज बेस्ट मैनेज अकॉर्डिंग टू द फोर्थ साइकल्स ऑफ द मैनेजमेंट इफिशेंटिवल्स एंड इवेल्यूशन ऑफ द टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व के रिस्पेक्ट में जो फोर्थ साइकल्स है वो किसके अकॉर्डिंग मैनेज की गई थी, तो पंच टाइगर रिजर्व, हाँ इट इज़ राइट पंच टाइगर रिजर्व। से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड अ रिपोर्ट एंड फोर्थ ऑफ फोर साइकल्स ऑफ द मैनेजमेंट इफेक्टिवली इवेल्यूशन ऑफ द टाइगर रिजर्व एंड MEETR जो फोर्थ साइकल्स मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्यूशन जो टाइगर रिजर्व में रिलीज़ की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें क्या था, विथ पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में की गई थी स्कोरिंग द हाईएस्ट एंड द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको हाईएस्ट एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड तमिलनाडु शोइंग करता है द हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन मैनेजमेंट में एंड सिंस द लास्ट साइकल्स एंड फॉर विच द लेटर्स वाज द अवॉर्डेड, और इसको सिंस लास्ट साइकिल बोला जाता है विलेज वाज द अवॉर्डेड के द्वारा। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।